Hello everyone, welcome to EduChats. Finally, we are with the series of SSB Lecturer 2023 Recruitment. Education paper की preparation हम start कर चुके हैं already. आज हमारा ये first lecture है. इससे पहले जो हमने prepare किया था आपके लिए जो questions वगैरह PGT के लिए, so that was also a part of SSB. लेकिन अब हम SSB Lecturer का class आज से start कर रहे हैं, जो कि lecture आज से start होगा और continuously जो है आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं SSB PGT SSB लेक्चरर, उसके अलावा जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं नेट JRF के लिए, उसके अलावा जो लोग CPET एंट्रेंस PG एंट्रेंस वगैरह जो लोग पढ़ रहे हैं, उसके साथ ही साथ CTET नेट और OTET सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है. एजुकेशन स्टूडेंट्स या फिर एजुकेशन रिलेटेड कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए वो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो. और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए. आपका जो भी क्वेरी रहेगा वहाँ पे आपको सॉल्व किया जाएगा. कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और उसके साथ ही साथ अगर कुछ डाउट आता है तो हम चाहते हैं ये वीडियो जो है यूट्यूब पर आपके लिए फ्री आ रहा है, तो ये सभी के पास पहुँचना चाहिए जो लोग उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो इसलिए चलिए आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं. और आज हम पढ़ेंगे फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम बेसिक फंडामेंटल पढ़ेंगे. याद रखिए एक चीज़, अगर आप SSB प्रिपेयर कर रहे हो, पहले भी मैंने बताया अभी भी मैंने यही बता रहा हूँ कि SSB पढ़ने के लिए कोई भी चीज़ नेट हो जाए SSB हो, सबसे फाउंडेशन जो है ना फंडा क्लियर होना चाहिए आपका. अगर फाउंडेशन क्लियर है उसके बाद आप जो भी पढ़ोगे वो आपके दिमाग में स्टोर होगा और आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो. इसीलिए कभी ये मत सोचिए कि सर ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये तो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है या फिर फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, ये बहुत ईजी है, ये पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है. ऐसा नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन जब अच्छा होता है उसके ऊपर जो है ना जो बिल्डिंग आप बनाते हो वो स्ट्रांग बनता है. तो इसीलिए हमारे साथ जुड़ जाइए और जो जितने भी दोस्त हैं उनको यहाँ पर जोड़ लीजिए. स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. चलिए, तो हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे. थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन जितना अच्छा होगा उतना हमें अच्छा लगेगा, इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्लास पे. चलिए फर्स्ट हम देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ फिलॉसफी. फिलॉसफी के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, दर्शन के बारे में जानते हैं क्या है और यह कहाँ से आया है. तो सबसे पहले देखिए, किसी भी वर्ड जो फिलॉसफी एक शब्द होता है, ये वर्ड कहाँ से आया है. एटिमोलॉजिकली फिलॉसफी, द वर्ड फिलॉसफी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, टू ग्रीक वर्ड्स, फिलॉस और सोफिया. फिलॉस का मतलब लव होता है, सोफिया का मतलब विजडम. देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको पूरा लिख भी दिया है, इतना भी मैंने कर दिया कि आपको डायरेक्टली नोट्स ही मिल जाए. तो यहाँ से आप कभी भी हमारे चैनल पे आके इसको पढ़ सकते हो, कोई जल्दी नहीं है. आराम से वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए. जब आपको लगे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा या फिर लगे कि मेरे को अभी फिलॉसफी में कुछ डाउट नहीं है, पूरा क्लियर हो गया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार लिख दीजिएगा यस सर, ताकि हमें समझ में आ जाए. ठीक है, बस इतना कर दीजिए. उसके बाद ये बोला जा रहा है कि फिलॉसफी जो वर्ड है, फिलॉस वर्ड से आया है और सोफिया वर्ड, दो ग्रीक वर्ड है, एक है फिलॉस दूसरा है सोफिया. फिलॉस का मतलब लव होता है, सोफिया का मतलब विजडम होता है यानी नॉलेज होता है. ठीक है, नॉलेज रिगार्डिंग योर लव, दैट मीन्स फिलॉसफी इज लव ऑफ विजडम. देखिए नॉलेज और विजडम में अंतर भी होता है. ठीक है, मैं सिंपल करने के लिए आपको बताया, नॉलेज विजडम वो होता है जो नॉलेज आपको सेटिस्फाई कर सकता है, जो नॉलेज से आप सेटिस्फाइड हो जाए तो विजडम यानी कि द हाईएस्ट काइंड ऑफ नॉलेज. ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिलॉसफी ये बोल रहा है कि फिलॉसफी इज लव ऑफ विजडम. अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो ये होता है फिलॉसफी वो प्यार होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, मतलब ज्ञान के लिए वो प्यार होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है. यू आर नेवर सेटिस्फाइड विथ एनी काइंड ऑफ नॉलेज. ठीक है, फिलॉसफी इज एन अटेम्प्ट टू अराइव एट अ रैशनल कंसेप्शन ऑफ द रियलिटी एज अ होल. रियलिटी का एक रैशनल कंसेप्शन, देखिए रैशनल बींग ये होता है, ह्यूमन बींग आर कॉल्ड एज रैशनल बींग, क्योंकि हमारे अंदर वो हुनर है कि हम सही और गलत में फर्क पता कर सके. तो इसलिए फिलॉसफी क्या करता है, एक रैशनल कंसेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट के ओर बढ़ता है. और वो किस चीज़ का रैशनल कंसेप्शन कर रहा है, वो है रियलिटी का. कॉन्सेप्ट किसका आता है, रियलिटी का, सच्चाई क्या है, वॉट इज रियल. आप जो देख रहे हो वो रियल, मैं जो देख रहा हूँ वो रियल, जो हम नहीं देख पा रहे वो रियल है, क्या रियल है उसके ऊपर ये चर्चा करता है. इट इंक्वायर्स इनटू द नेचर ऑफ यूनिवर्सेस, ये जो यूनिवर्स है उसके ऊपर, उसके नेचर के ऊपर वो इंक्वायरी करता है. इन विच वी लिव, हम जहाँ पे रहते हैं, द नेचर ऑफ द ह्यूमन सोल, हमारा जो सोल है आत्मा है,
ह्यूमन सोल, उसके ऊपर अध्ययन करता है, इट्स डेस्टिनी, इसका क्या लक्ष्य है उसके ऊपर करता है, नेचर ऑफ गॉड, गॉड क्या है, उनके नेचर क्या, उसके ऊपर करता है, और द एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता है, एब्सोल्यूट का ऑपोजिट क्या होता है, कॉन्क्रीट, जो हमारे सामने है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जो दिखता नहीं है, सिर्फ फील किया जा सकता है, जैसे कि प्यार, मोहब्बत, ठीक है, गुस्सा करना, ये सब मतलब फील कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, इट एग्जामिन्स, क्लैरिफाइज एंड एक्सप्लेन्स पॉपुलर एंड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, स्पेस, टाइम, कॉजैलिटी, इवोल्यूशन, मैकेनिज्म, लाइफ, माइंड, सोल, गॉड, एब्सोल्यूट, राइट, रॉन्ग, गुड एंड एविल, ब्यूटी एंड अग्लीनेस, मतलब कि ये हर प्रकार के चीज़ों को, मतलब दुनिया में जितने तमाम चीज़ें हैं, ये सभी को वो क्या करता है, एग्जामिन करता है, उसके बाद क्लैरिफाई कराता है, फिर एक्सप्लेन भी करता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ ना लॉजिक ना हो उसमें, वो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि आप बोलोगे 2 + 2 = 5, अगर आप लॉजिक बता दो कि इसके पीछे क्या रीज़न है, तो फिर हम मान जाए। जैसे कि a + b का स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², मैंने ये बता दिया, या फिर जिसने भी बता दिया, इसको प्रूफ भी तो करना चाहिए क्यों हो रहा है, ठीक है। ऐसे आप बोल दोगे तो कोई नहीं मानेगा, आपको वहाँ पे प्रूफ करना होगा, लॉजिक, एविडेंस देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब फिलॉसफी के तीन ब्रांचेस हैं, ठीक है, फिलॉसफी के तीन ब्रांचेस हैं, इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। अब ये ब्रांचेस हम क्यों पढ़ेंगे और क्यों ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी फिलॉसफिकल थॉट्स पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे, थिंकर्स पढ़ेंगे, ये सभी फिलोसोफर्स, सभी फिलोसोफिकल स्कूल्स, ये सभी इन्हीं तीन ब्रांचेस पे फोकस्ड है, यानी इन्हीं तीन पे ही आधारित है, यानी कि जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी फिलोसफी पढ़ेंगे, उनमें ये तीन चीज़ें ज़रूर रहेंगे, ठीक है। तो मेटाफिजिक्स पहले आता है, मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है, फिजिक्स मतलब जो आपको ही पता है, हमारे चारों तरफ जो भी देख रहे हैं, ठीक है। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, बियॉन्ड एवरीथिंग, इट डील्स विद द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी एंड द कॉस्मोस, नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, रियलिटी के बारे में अध्ययन करता है, कॉस्मोस यानी यूनिवर्स के बारे में अध्ययन करता है। नेक्स्ट है एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है नॉलेज, ठीक है, इट डील्स विद द नेचर ऑफ रियल नॉलेज, रियल नॉलेज क्या है उसके ऊपर ये डील करता है। देन आता है एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी डील्स विद नेचर ऑफ वैल्यूज, ये हमेशा वैल्यू के बारे में बात करता है, और एक्सियोलॉजी को अगेन हमने तीन पार्ट पे डिवाइड किया, तो हम एक बार देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, देखिए मेटाफिजिक्स के, मेटाफिजिक्स में हमने क्या देखा, ये रियलिटी के बारे में अध्ययन करता है, रियलिटी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसके आधार पर हमने मेटाफिजिक्स को पहले डिवाइड किया पांच कैटेगरी में। पांच कैटेगरी, आप बोलोगे क्या ये पांच कैटेगरी फाइनल है, मैं बोलूँगा नहीं, जो इम्पॉर्टेंट है मैं वही आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। यही पाँच इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ऐसे देखा जाए मेटाफिजिक्स के बहुत सारे सब ब्रांचेस हैं, लेकिन जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हम उसी को पढ़ेंगे। मेटाफिजिक्स इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 5 कैटेगरीज, मेटाफिजिक्स को 5 हिस्सों में फिर से बांट दिया गया। एक है थियोलॉजी, थियोलॉजी का थियोलॉजी का मतलब ही होता है गॉड, ठीक है, यानी कि ये कहाँ पे क्या स्टडी करेगा, इट स्टडीज अबाउट द एसेंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के बारे में ये अध्ययन करता है, एसेंस के बारे में और उनके एग्जिस्टेंस के बारे में अध्ययन करता है। देन आता है ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी का मतलब रियलिटी होता है, यानी इट इज़ द स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि जीने का, जो क्यों जी रहे हैं हम क्यों जिंदा है इसके बारे में। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है यूनिवर्स, यानी कि स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ओरिजिन एंड इम्पोजिशन, कैसे ओरिजिन हुआ था, इम्पोजिशन क्या है, ये सब हम कॉस्मोलॉजी में पढ़ते हैं। कॉस्मोगोनी में स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन एस्केटोलॉजी, एस्केटोलॉजी क्या होता है, फाइनल मैटर्स ऑफ डेथ एंड लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद का लाइफ क्या होता है, ये उससे अध्ययन करता है। देखिए रियलिटी को ही अध्ययन कर रहे हैं लेकिन अलग अलग सेगमेंट में स्टडी कर रहा है, कोई गॉड को स्टडी कर रहा है तो कोई रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी को कर रहा है, कोई यूनिवर्स को कर रहा है, कोई ओरिजिन को कर रहा है, और लाइफ को कर रहा है कोई आफ्टर डेथ, ठीक है। ये मेटाफिजिक्स के 5 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, लिख लीजिएगा, अगर डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, सो दैट वी कैन क्लैरिफाई इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट है आपका एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी क्या है, मैंने बताया इट डील्स विद द नेचर ऑफ वैल्यू, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अगेन इसको सब डिवाइड किया गया 3 ब्रांच में। एक है लॉजिक, लॉजिक सिंपल सी बात है, लॉजिक का मतलब होता है थ्योरी ऑफ रीजनिंग, यानी किसी भी प्रकार के इंडक्टिव हो चाहे डिडक्टिव अप्रोच ऑफ रीजनिंग हो, लगा के हमें एविडेंस प्रोवाइड करना है, उसको प्रूफ करना है कि वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, इट इज़ लॉजिक, ठीक है। देन आता है आपका एथिक्स, एथिक्स का मतलब होता है मोरालिटी, इट इज़ द थ्योरी ऑफ मोरालिटी, सही और गलत में जो फर्क महसूस करता है उसको हम एथिक्स कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आता है एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब ही होता है क्या, सेंस ऑफ ब्यूटी, यानी इट इंक्वायर्स इनटू द नेचर ऑफ ब्यूटी, नेचर ऑफ ब्यूटी के साथ ये डील करता है, क्लियर है। मेटाफिजिक्स के 5 ब्रांचेस, एक्सियोलॉजी के 3 ब्रांचेस हो गए। अब देखिए ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी तो हमने मेटाफिजिक एक्सियोलॉजी पढ़ा, लेकिन एपिस्टेमोलॉजी, देखिए एपिस्टेमोलॉजी के वैसे कुछ ब्रांचेस होते नहीं है, लेकिन ये डील करता है नॉलेज के साथ, यानी नॉलेज तो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? आई मीन टू से वेर वी टॉक अबाउट नॉलेज, नॉलेज इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, नॉलेज कम्स फ्रॉम मेनी सोर्सेस, सो वी कैन से द टाइप्स ऑफ नॉलेज इज बेस्ड अपॉन देयर सोर्सेस। कहाँ से आए हैं वो नॉलेज, किस सोर्सेस में नॉलेज आते हैं, और जिस सोर्सेस से आते हैं क्या हम उस पर बिलीव कर सकते हैं, कौन सा सोर्स सही है, ठीक है, कौन से सोर्स से नॉलेज आता है और कौन सा सोर्स सही है, किसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसी के प्रकार भेद में, यानी उसी को देख करके हमने डिवाइड किया टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो टाइप्स ऑफ नॉलेज, सोर्सेस ऑफ नॉलेज, जो भी आप कहिए, एपिस्टेमोलॉजी के अंडर में जो इंपॉर्टेंट, हर चीज़ में यही बताता हूँ जो हमने यहाँ पे लिखा, ये फाइनल नहीं होता है कि बस 5 प्रकार की है एपिस्टेमोलॉजी या फिर नॉलेज, ऐसा नहीं है, बहुत प्रकार के होते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही मैंने यहाँ पे आपको दिया है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, वो उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ये नॉर्मल क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ाएंगे। ज़्यादा पढ़ा के, ज़्यादा मतलब बड़ा बड़ा वीडियो बना के या फिर बहुत सारे कंटेंट्स डालकर हम यहाँ पे कोई PhD वर्क नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हमें SSB के लिए प्रिपेयर करना है, यानी SSB के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, लेवल ऑफ क्वेश्चन जिसको वो देता है उसी के हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉलेज, इंट्यूटिव नॉलेज, नॉलेज के अंदर आता है एक इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूटिव नॉलेज होता क्या है, देखिए इंट्यूशन आपने सुना होगा, इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है, हाँ यहाँ पे बता दिया, इंट्यूशन नॉलेज इज बेस्ड ऑन इंट्यूशन, फेथ, बिलीव एटसेट्रा, ठीक है। ह्यूमन फीलिंग्स प्ले ग्रेटर रोल इन इंट्यूटिव नॉलेज कंपेयर टू द रिलायंस ऑन फैक्ट्स। देखिए इंट्यूशन होता क्या है, आपके अंदर का जो आवाज़ है वो क्या बोल रहा है, आपके अंदर का विश्वास क्या बोल रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम अपने से मन से सीखते हैं, ठीक है, मुझे जो सही लग रहा है मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, आई विल फील दैट इट इज़ अप टू द मार्क फॉर मी, और आई एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ नॉलेज, सो दैट इज़ माई नॉलेज, इंट्यूटिव नॉलेज, यानी आपका फेथ। से फॉर एग्जाम्पल रिगार्डिंग गॉड, अगर हम गॉड की बात करें, आपके मन में जो भगवान के लिए जो प्रेम है, भगवान का जो विश्वास है, उनका मतलब आपको लगता है कि भगवान धरती पे आते हैं और वो हमें दुखी नहीं देख सकते, ये सब आप सोचते हो, दैट इज़ योर फेथ, यू हैव बिलीव, आपका इंट्यूशन ये होता है कि आप मन से जो सोच रहे हो, आप जो मतलब योर थिंकिंग, योर आइडियाज़, योर बिलीफ, ये सब जो है ना, ये इंट्यूटिव नॉलेज होता है जो अंदर से आता है, कोई आपको सिखाता नहीं है, आप जो मन से सोचते हो, जो आप मन से करते हो, जो आप मन से बिलीव रखते हो, वही होता है इंट्यूटिव नॉलेज, क्लियर है, जो कि अपने से आता है, यानी सेल्फ नॉलेज। देन आता है ऑथोरिटेरियन नॉलेज। ऑथोरिटेरियन मतलब होता है अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब आपके ऊपर भी कोई है जिससे आप सलाह लेते हो, जिससे आप पढ़ते हो, यानी ऑथोरिटेरियन नॉलेज रिलाइज ऑन इन्फॉर्मेशन दैट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बुक्स। बुक, किताब तो किसी ना किसी ने लिखा होगा, रिसर्च पेपर भी किसी ने लिखा होगा, एक्सपर्ट से सीखते हैं या फिर सुप्रीम पावर से सीखते हैं। ऑथोरिटेरियन मतलब ये नॉलेज हमारे पास नहीं था, हमने किसी किताब से लिया, किसी रिसर्च पेपर से लिया, कोई एक्सपर्ट था उनसे हमने लिया, या फिर कुछ सुप्रीम पावर से हमने नॉलेज लिया, मेरे पास नहीं था मैंने लिया हुआ है, इसलिए ये ऑथोरिटेरियन नॉलेज, बिकॉज इट फ्लोज फ्रॉम द टॉप ऑर्डर, टॉप ऑर्डर से ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉजिकल नॉलेज। इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। मतलब यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक नॉलेज को, कैसे, लॉजिक के साथ, बिना लॉजिक, बिना एविडेंस का आपको कोई नहीं सुनेगा, इसलिए लॉजिकल नॉलेज क्या होता है, हम हर चीज़ में लॉजिक ढूंढ रहे, ठीक है, हम लॉजिक ढूंढेंगे, लॉजिक क्या है इसके पीछे, अगर हमने लॉजिक ढूंढ लिया तो फिर हम सीख गए, ठीक है। एम्पिरिकल नॉलेज, एम्पिरिकल नॉलेज, एम्पिरिकल का मतलब ये होता है वेरीफाइड, मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, रिलाइज ऑन ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स दैट हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एंड कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड। यहाँ पे
ऑब्जेक्टिव फैक्ट, जो कि फैक्ट बेस्ड होगा नॉलेज, उसको हम बिलीव करेंगे और इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, यानी वेरीफाई कर सकते हैं। देन होता है रिवील्ड नॉलेज। रिवील्ड नॉलेज क्या होता है? यहाँ पे इट इज़ बींग नोन अस आफ्टर एन इंक्वायरी। रिवील्ड जैसे कि आप से फॉर एग्जाम्पल आप प्लेटफॉर्म में जाते हो रेलवे स्टेशन के, वहाँ पे पूछते हो क्या न्यू दिल्ली के लिए अभी कोई ट्रेन है, आपको नहीं पता था, उसने बताया कि हाँ अभी 9:15 पर एक ट्रेन है। मैंने बस आपको ये एग्जाम्पल दिया ताकि आप समझ जाओ रिवील क्या हुआ। अभी पता चला कि 9:15 में एक ट्रेन आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कुछ पूछने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद आपको कुछ पता चला। जैसे बहुत सारे रिसर्चर कोविड के टाइम में एंटीवायरस बनाने, सॉरी एंटीवायरस मैंने बता दिया, वैक्सीन है, वैक्सीन, ठीक है, वायरस का एंटीवायरस और क्या, ठीक है, वायरस का एंटीवायरस यानी वैक्सीन, वैक्सीन बनाने में बहुत सारे रिसर्च में लग गए सारे साइंटिस्ट, ठीक है। अब उन्होंने जो फैक्ट बताया कि किसके वजह से कोविड हुआ था, उन्होंने रिवील किया आफ्टर एन इंक्वायरी, ठीक है, क्लियर है। अभी एपिस्टेमोलॉजी सारे डिविजन्स हमने पढ़ लिया, अब फटाफट से आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे जाकर के आपको मिलेंगे, वो है डेफिनेशंस ऑफ फिलोसफी। अब फिर से वही बात कि आप सोच रहे होंगे कि सर हम डेफिनेशन क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि याद रखिए SSB हो, नेट हो, चाहे जो भी हो, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए ज़्यादातर SSB में ये होता है कि बहुत सारे डेफिनेशन पूछता है, बहुत सारे। और बेसिकली आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने जो भी यहाँ पे कंटेंट बनाया है ना, ये सब कुछ SSB के एक्सपीरियंस, SSB के एस्पिरेंट्स जिन्होंने क्रैक किया हुआ है, और उसके साथ ही साथ 3-4 का जो SSB ऑलरेडी हो चुका है, बेसिकली 3 ईयर्स, मतलब इससे पहले जो 3 का हो चुका है SSB लेक्चरर, उसके क्वेश्चन के लेवल पर और उसके क्वेश्चन पैटर्न के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। यानी अगर देखा जाए तो हर साल डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी पूछता ही पूछता है, यानी इसमें से तो 1-2 सवाल ज़रूर आपको मिलेंगे। तो अगर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद कर लिया तो फिर हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि डेफिनेशन पूछेगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो वैसे नेट में भी पूछा जाता है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन एरिस्टोटल ने क्या बताया? एरिस्टोटल ने कहा कि फिलोसफी इज अ साइंस विच इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज इन इटसेल्फ। फिलोसफी एक प्रकार का विज्ञान है जो कि ढूंढता रहता है किसको, नेचर ऑफ बीइंग एज इट इन इटसेल्फ, यानी नेचर ऑफ बीइंग, कोई भी चीज़ जैसा है वैसा ही अध्ययन करना फिलोसफी का एक प्रकार का विज्ञान है, जो जैसा है वैसा ही उसको स्टडी करता है। प्लेटो आ गए, प्लेटो ने बताया फिलोसफी एम्स एट नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स। हर चीज़ का जो मतलब अभ्यंतर चीज़ होता है, यानी जो इटर्नल नेचर होता है, जो कि परमानेंट नेचर होता है, उसको वो स्टडी करता है। एंड फिच ने कहा फिलोसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विज्ञान है। एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा फिलोसफी इज अ लॉजिकल इंक्वायरी इन टू द नेचर ऑफ रियलिटी। ये एक प्रकार का लॉजिकल अनुसंधान है जो कि रियलिटी को अध्ययन करता है। देखिए बहुत सारे अच्छे डेफिनेशंस बता दिए, तो इससे हमें ये पता चलता है फिलोसफी एक प्रकार का विज्ञान है जो कि बहुत ही एक तो चीज़ क्लियर है, ये इन्वेस्टिगेट करता है, हर चीज़ को इंक्वायरी करता है, रियलिटी के बारे में अध्ययन करता है, रियलिटी वो भी किस प्रकार का रियलिटी, इटर्नल रियलिटी, ठीक है। ऐसे डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है। अब चलेंगे आगे, अब देखेंगे बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन। फिलॉसफी ख़त्म हो गया ब्रीफ में, अब एजुकेशन चलते हैं, क्योंकि एजुकेशनल फिलॉसफी का मतलब ये होता है फिलॉसफी और एजुकेशन दोनों को मिला के फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन या फिर एजुकेशनल फिलॉसफी ऐसे करके आप बनाओगे। तो एजुकेशन का बैकग्राउंड जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सभी ने ज़रूर पढ़ा होगा। तो द वर्ड एजुकेशन मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सिंपल चीज़ें हैं जो कि आपको पता होंगे। अब मैं ये बता रहा हूँ एजुकेशन जो वर्ड है ये 3 से, मतलब हम मानते हैं कि ये 3 से आए होंगे और ये सभी हम पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा लैटिन वर्ड 3 जो है ना, उसको याद रख लीजिएगा। आई नो आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार क्या होता है कि कभी कभार जल्दबाजी में भूल जाते हैं, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। फर्स्ट है एडुकेयर, केयर का मतलब होता है केयर लेना, यानी टू ब्रिंग अप, टू नरिश। एडुसियर, एडुसियर का मतलब होता है टू ब्रिंग फोर्थ, टू ड्रॉ आउट। एडुकेटम का मतलब होता है द एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये 3 आए हैं, इसका मतलब यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग। अगर ओवरऑली बताया जाए व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग, यहाँ पे मैंने प्रोसेस लिखा, इट इज़ नॉट ए प्रोडक्ट, इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है जो हरदम चलता रहता है, चलता रहता है। उसके साथ ही साथ
कैरेक्टर बिल्डिंग करता है, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो बनाता है, इंसान को इंसान बनाता है शिक्षा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अभी एजुकेशन में। एजुकेशन में अभी थोड़ा सा फिलॉसफी में हमने देख लिया डेफिनेशन, अब हम देखेंगे एजुकेशन का डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। और जिन जिन का नाम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये बहुत अहम किरदार है, इनका बहुत ही बड़ा रोल है एजुकेशन में, इसलिए इनका डेफिनेशन पूछना जायज़ है। ये पूछ भी लेता है इनमें से कुछ। ठीक है, फर्स्ट है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल ने कहा, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग का जो है प्रक्रिया, ये बनाना ही एजुकेशन का काम होता है। क्योंकि आप अगर हेल्दी नहीं रहोगे, आपका दिमाग ठिकाने पे नहीं रहेगा, पढ़ नहीं सकते हो आप। नेक्स्ट है जॉन डुवे। जॉन डुवे ने कहा, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू ए कॉन्टिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। शिक्षा का मतलब एक प्रक्रिया होता है जहाँ पे हम हमारे अब जो एक्सपीरियंसेस को खुद इसको कॉन्टिन्यूसली लगातार इसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, बदलते रहते हैं इसको, क्योंकि हर चीज़ हर दिन जो है वो हमारे लिए कुछ नया लाता है। तो पुरानी चीज़ों को भुला के हम नए चीज़ें करना स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रोबेल फ्रोबेल ने कहा, एजुकेशन इज द अनफोल्डमेंट ऑफ वॉट इज ऑलरेडी एनफोल्डेड इन द जर्म। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच द चाइल्ड डेवलप्स हिज इनेट क्वालिटीज। यहाँ पे ये बोल रहा है, शिक्षा उस चीज़ों को खोलता है जो कि ऑलरेडी होता है, जैसे पेटल्स। ठीक है, एक पेड़ में जो पेटल्स होते हैं वो ऑलरेडी उसके अंदर बहुत ही सुंदर फूल होता है, लेकिन उसको खिलाने का जो जिम्मा है वो हमारा है। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच द चाइल्ड डेवलप्स इज इनेट क्वालिटीज। ये एक प्रक्रिया है जहाँ पे एक बच्चा अपने अंदर जो हुनर छुपा हुआ है उसको वो बाहर लाता है। महात्मा गांधी जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया था, बाई एजुकेशन आई मीन एन ऑलराउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड स्पिरिट। इन्होंने कहा, शिक्षा का मतलब मुझे ये समझ में आता है कि बच्चे का पूर्णांग विकास जो होता है, हर प्रकार का डेवलपमेंट उसमें होगा, चाइल्ड एंड मैन उनका क्या डेवलप होगा, बॉडी माइंड और स्पिरिट तीनों के तीनों डेवलप रहेंगे। श्री अरविंद जी ने कहा था, एजुकेशन इज हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट इज इन इट सेल्फ। मतलब कि एक प्रकार की ये बोल रहे हैं कि जो हमारे अंदर सोल है, ड्रॉइंग आउट दैट इज इन इट सेल्फ, आपके अंदर जो हुनर है उसको बाहर निकालना एजुकेशन का काम है। स्वामी विवेकानंद जी ने इन दोनों का जो डेफिनेशन है ये लगभग एक प्रकार के हैं। ठीक है, इन्होंने वही कहा कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। भगवान का दिया हुआ हुनर जो इंसान के पास है, हर एक बच्चे के पास है, उसी को बाहर निकालना, उसी को फ्रूटफुल करना ही क्या होता है, एजुकेशन होता है। टेगोर जी ने कहा, एजुकेशन इज दैट विच मेक्स वंस लाइफ इन हार्मोनी विथ ऑल एग्जिस्टेंस एंड दस एनेबल द माइंड टू फाइंड आउट दैट अल्टीमेट ट्रूथ विच गिव्स अस द वेल्थ ऑफ इनर लाइट एंड लव एंड गिव्स सिग्निफिकेंस टू लाइफ। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिक्षा वो होता है जो हमारे ज़िंदगी को हार्मनी यानी शांति से भर देता है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ हमारा जो दिमाग यानी जो माइंड है वो क्या करता है, अल्टीमेट ट्रूथ को ढूंढ लेता है, यानी जो सच्चाई को ढूंढ लेता है। और ये हमारे अंदर जो इनर लाइट है, ठीक है, मतलब इनर लाइट मतलब हमें ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, और हमें लव एंड सिग्निफिकेंस टू लाइफ, हमारे ज़िंदगी को वो एक साकार बनाता है। ठीक है, टैगोर ने ये कहा। ये डेफिनेशंस याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको और कोई डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन डेफिनेशन हमेशा पढ़ना। अब हो गया एजुकेशन की बात, अब हो गया फिलोसफी की बात, अब चलेंगे रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। फिलोसफी और एजुकेशन के बीच में क्या संबंध है? देखिए, रिलेशन तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर से वही बात, हम वही पिन पॉइंटेड चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन कैन बी समड अप एज फॉलोज। यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है क्या हो सकता है इन दोनों का रिलेशन। फर्स्ट है, फिलोसफी डिटरमाइंस व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ लाइफ वर्थ लिविंग। फिलोसफी ये बताता है कि एक जिंदगी मतलब एक जीवन को आप कैसे मजेदार या फिर असरदार बना सकते हो। द मेन टास्क ऑफ एजुकेशन इज टू मेक लाइफ वर्थ लिविंग। देखिए, एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि पढ़ाई करो, सर्टिफिकेट ले जाओ, जॉब कर लो, नहीं, जिंदगी जीने का तरीका बताता है। इसीलिए फिलोसफी क्या करता है कि कौन सा चीज़ एजुकेशन में डालने से या फिर एजुकेशन में ऐसा क्या पढ़ाया जाएगा जो कि एक ज़िंदगी को वर्थ लिविंग बना सकता है, और एजुकेशन उसको बनाने में लग जाता है। फिलोसफी टेल्स अस द गोल, यानी फिलोसफी गोल सेट करता है, लक्ष्य जो है वो सेट करता है, एंड एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, गुड लाइफ के लिए हमें क्या चाहिए वो बताता है। लेकिन एजुकेशन क्या करेगा, इट टेल्स अस द मीन्स टू अचीव दोज गोल्स। मीन्स टू अचीव इसका मतलब है
किसी ने आपको बता दिया कि आपको वहाँ पे जाना है, लेकिन जाना कैसे है, कौन लेके जाएगा, एजुकेशन लेके जाएगा। यानी आपको लक्ष्य बताया जाए कि आपको यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जा करके एक राइट हैंड साइड में आपको वहाँ पे एक मिलेगा आपके लिए, एक गिफ्ट रखा हुआ है, लेकिन वहाँ तक जाओगे कैसे। तो वहाँ तक जाने का जो जरिया है वो एजुकेशन है, एंड लर्न दोज एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ। यानी हम कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे हमारे ज़िंदगी में। देन है फिलोसफी इज़ द थ्योरी, एजुकेशन इज़ द प्रैक्टिस। ये एक ही लाइन काफ़ी है। फिलोसफी एक तत्व है, थ्योरी है, और ये एक प्रैक्टिस है एजुकेशन, जो कि प्रैक्टिकली उस चीज़ को हासिल करने की सोच लेता है। फिलोसफी इज़ द कंटेम्पलेटिव साइड एंड एजुकेशन इज़ द एक्टिव साइड। फिलोसफी अगर देखा जाए वो एक थियोरेटिकल साइड है, और एजुकेशन डेफिनेटली एक्टिव साइड है। फिलोसफी डील्स विथ एंड्स, एजुकेशन विद द मीन्स एंड टेक्निक्स ऑफ अचीविंग दोज एंड्स। फिलोसफी क्या करता है, एंड्स यानी जो आउटकम क्या रहेगा एजुकेशन को वो डिसाइड करता है, मतलब एजुकेशन का क्या लक्ष्य रहेगा वो डिसाइड करता है, और एजुकेशन उसको अचीव करने के लिए मीन टेक्निक के साथ जाता है। यानी कौन सा जरिए से, किस जरिए से हम उसको हासिल कर सकते हैं, कौन सा टेक्निक ज़रूरी होगा, ये सब वहाँ पे देखते हैं। फिलोसफी डील्स विद एब्स्ट्रैक्ट, एजुकेशन डील्स विद कॉन्क्रीट। फिलोसफी अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो एजुकेशन कॉन्क्रीट है, क्लियर है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, मैंने डायग्रामेटिकली इसको बताने की आपको कोशिश मैंने किया है। अगर सही लगेगा एक बार ज़रूर लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, अगर दोस्तों को पहुँचाना है तो। चलिए एजुकेशन देखिए, फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी का क्या रोल है, फिलॉसफी क्या करता है बेसिकली, जो हमने रिलेशन में देखा उसी को हम सम अप करेंगे। फिलॉसफी क्या करता है, एजुकेशन का एम डिसाइड करता है कि एजुकेशन का लक्ष्य क्या रहेगा, एम सेट करता है और हासिल कौन करेगा, एजुकेशन। अब फिलॉसफी क्या करता है, एजुकेशन का करिकुलम क्या रहेगा, एजुकेशन का मतलब शिक्षा में पूरा, ऐसा नहीं है एजुकेशन सब्जेक्ट। एजुकेशन में फिलॉसफी का काम ये होता है कि हमारा जो करिकुलम रहेगा, जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, करिकुलम डिसाइड होगा, ये डिसाइड करता है फिलॉसफी, ठीक है। मेथड्स ऑफ लर्निंग, बच्चे को पढ़ाने के लिए पहले जो मेथड था लेक्चर मेथड, आके पढ़ा देना, ऐसे नहीं है, अब बहुत सारे मेथड आ गए हैं। तो ये कौन देगा, फिलॉसफी डिसाइड करेगा कि मेथड ऑफ लर्निंग क्या रहेगा। अब फिलॉसफी और डिसाइड करेगा रोल ऑफ टीचर क्या रहेगा, टीचर का रोल क्या है। पहले क्या होता था, टीचर डोमिनेटेड होता था, अब टीचर एक फैसिलिटेटर है, वो डिसाइड करेगा। देन रोल ऑफ लर्नर, लर्नर क्या करेंगे, उनका रोल क्या है, ये भी डिसाइड करेगा। इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजी, किस मेथड से हम बच्चों का जो है मूल्यांकन करेंगे, मार्क देंगे, एग्जाम लेंगे, ठीक है। और फाइनली डिसिप्लिन, कैसा डिसिप्लिन रहेगा, क्या डिसिप्लिन रहेगा, ये भी फिलॉसफी डिसाइड करता है एजुकेशन के साथ। तो फिर एजुकेशन का क्या काम है, फिलॉसफी सर सिर्फ डिसाइड करता है, लेकिन करता तो एजुकेशन ही है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे और एक प्रकार का डेफिनेशन, जो कि अगर मैं बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। हर एग्जाम में मैंने देखा है, हर फेज में देखा है, एसएसबी लेक्चरर, मतलब जो भी आपका एग्जाम आज से पहले हो चुका है 3 बार, वहाँ पे ये क्वेश्चंस देखे गए हैं। रिलेशन बिटवीन फिलोसोफी और एजुकेशन को कुछ फिलोसोफर्स ने ही डिफाइन किया है, जैसे कि जे एस रॉस, इन्होंने डिफाइन किया कि एक ही, आई मीन फिलोसफी एंड एजुकेशन आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं फिलोसफी और एजुकेशन। इधर फिलोसफी है तो इसके पीछे एजुकेशन है, एक अगर इधर एजुकेशन है तो पीछे फिलोसफी है, जेस रॉस। यानी कि दोनों एक ही कॉइन में अगर ना हो तो कॉइन जैसे वैलिड नहीं होता है, वैसे फिलोसफी और एजुकेशन अगर साथ में ना हो तो ये वैलिड नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा, एजुकेशन हैज नो टाइम टू मेक हॉलीडेज टिल ऑल द फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आर वन फॉर ऑल क्लियर अप। यानी कि एजुकेशन को तब तक कोई छुट्टी नहीं मिलेगा जब तक वो सारे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस का आंसर ना दे दें। देन आता है जॉन अडम्स, जॉन अडम्स ने कहा, एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी, इट इज द एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ फिलोसॉफिकल बिलीफ। एजुकेशन क्या होता है, फिलोसफी का डायनेमिक प्रैक्टिकल पार्ट होता है, जहाँ पे फिलोसफी जो है वो सिर्फ थ्योरी है, एजुकेशन तो प्रैक्टिकल है। देन फिच ने कहा, द आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर अटेन कंप्लीट क्लियरनेस विदाउट फिलोसफी। यानी कि शिक्षा जो है वो कभी परफेक्ट नहीं हो सकता जब तक फिलोसफी उसका साथ नहीं देता है। जॉन ड्यूए ने कहा, फिलोसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फेजेस। अगर देखा जाए फिलोसफी क्या है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन है। अगर देखा जाए फिलोसफी क्या है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन। अब क्लियर है, देखिए जो भी क्वेश्चंस मैंने जो भी पढ़ा है अभी तक, आगे नहीं गया हूँ मैं अभी तक, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी आपका एसएसबी का आएगा, ठीक है। चलिए अब जो देखेंगे
वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग एजुकेशनल फिलोसफी। हम एजुकेशनल फिलोसफी क्यों पढ़ेंगे? सिंपल सी भाषा है और सिंपल से डिस्कस करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे फटाफट से। ऑब्जेक्टिव देखिए, टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ फॉर वेरियस एजुकेशनल इशू। बहुत सारे इशू हैं, इशू को सॉल्व करने के लिए हम एजुकेशनल फिलोसफी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, पर्पस ऑफ स्टडिंग एजुकेशन फिलोसफी इज टू मेक एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड बेस्ड लाइफ एंड सोसाइटी। नीड बेस्ड लाइफ और सोसाइटी बनाने के लिए भी हमें एजुकेशनल फिलोसफी चाहिए। नेक्स्ट है, टू डिटरमाइन द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, एम ऑफ सर्वाइवल। ह्यूमन लाइफ का एम क्या है, सर्वाइवल का एम क्या है, वो हम डिटरमाइन करते हैं फिलोसफी, एजुकेशनल फिलोसफी में। नेक्स्ट है, प्रोड्यूस बेटर सिटीजन बाय फोस्टरिंग डेमोक्रेटिक एटीट्यूड एंड बिहेवियर। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड हम फोस्टर करेंगे बच्चों के अंदर। और लास्ट है, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव अट्रैक्टिव अकॉर्डिंग टू द नीड इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हमें और भी इफेक्टिव अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनके नीड इंटरेस्ट और एबिलिटी को जान लेना चाहिए ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकें। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका एजुकेशनल फिलोसफी, फिलोसफी एजुकेशन, रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, देन व्हाई डू वी स्टडी एजुकेशनल फिलोसफी। आज हम उसके साथ आइडियलिज्म स्टार्ट करेंगे जो कि वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी से आया है। देखिए, फिलोसफी जो हम स्टडी करेंगे, दो प्रकार के फिलोसफी को अध्ययन करेंगे। एक हो गया वेस्टर्न, वेस्टर्न फिलोसोफर, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी, और वो एक हो गया इंडियन। ठीक है, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी और इंडियन फिलोसोफर। अब जब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले आता है आइडियलिज्म। और ये पिक्चर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ये पिक्चर किसका है, अच्छे से देखिए ये पिक्चर किसका है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जो लोग अभी तक इसको मतलब हमारे टेलीग्राम में नहीं है, जुड़ जाइए। क्लासेस के नोटिफिकेशन सारे कुछ हम हमारे टेलीग्राम के थ्रू पता करते हैं, मतलब बताते रहते हैं। अगर आप टेलीग्राम में रहोगे तो शायद आपको जो वीडियोस आता है वो टाइमली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए आइडियलिज्म पे बढ़ते हैं। देखिए, आइडियलिज्म नाम से ही पता चलता है क्या होता है, आइडियलिज्म मतलब आइडियाज। ठीक है, चलिए, द वर्ड आइडियलिज्म जो कि एक सिंपल सा मैंने बताया अभी, ये जो वर्ड आइडियलिज्म है ये बेसिकली अगर देखा जाए कि ग्रीक वर्ड आइडियन से आया है। ठीक है, आइडिया इन का मतलब होता है टू सी समथिंग फिगरेटिवली, यानी हर चीज़ को एक फिगर के जैसा, यानी कि फिगर का मतलब होता है कोई एक आकार की तरह हम उसको देखते हैं, जो आपको जैसे दिखा, जैसे कि सामने अगर कोई चीज़ आप देख रहे हो, मतलब इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। कभी कभी हम बादल में देखते रहते हैं, बादल में देख के ये सोचते हैं ये शायद एक शेर है, देख देख वहाँ पे एक चूहा जा रहा है आसमान पे, वहाँ पे दिख रहा है कोई इंसान दौड़ रहा है, ऐसे दिख रहा है। यानी ये आपके आइडियाज हैं, यू आर थिंकिंग दैट इट मस्ट बी, इट इज़ काइंड ऑफ लुकिंग लाइक अ किंग, लुकिंग लाइक अ कैट, लुकिंग लाइक अ लायन, राइट? आप ये सोच रहे हो एक फिगर के तरह। ठीक है, ऐसा है नहीं लेकिन आपको लग रहा है, तो वो होता है आइडियलिज्म। ऐसे अगर देखा जाए, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, आइडिया और इज्म। आइडिया का मतलब आपको पता है और इज्म का मतलब स्टडी होता है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ फिलोसफी और प्लाटो इसके फादर हैं। ठीक है, प्लाटो इसके फादर है। और जो पिक्चर आपने देखा वहाँ पे, ये पिक्चर जो मैंने लगाया था पोस्टर में यहाँ पे, तो वो कौन है, वो प्लाटो है। ठीक है, ये प्लाटो है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पिरिचुअलिज्म और नॉन मेटेरियलिज्म। देखिए, ये क्या करता है, स्पिरिचुअलिज्म स्पिरिट पे बिलीव करता है, स्पिरिचुअलिज्म आध्यात्मिक दुनिया में, और नॉन मेटेरियलिज्म जो आप चारों तरफ जो मटेरियल्स देख रहे हो, पैसा, घर, गाड़ी, ये सब, ये इस पे बिलीव नहीं करता है। बिकॉज इट बिलीव्स दैट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेटेरियल वर्ल्ड, दैट इज मोर्टल। यानी मेटेरियल वर्ल्ड जो है वो मोर्टल है, मोर्टल मतलब कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन इमेटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक दुनिया, ये कभी खत्म नहीं होता है। इट्स बेसिक व्यू पॉइंट स्ट्रेसेस द ह्यूमन स्पिरिट एंड माइंड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में है ह्यूमन स्पिरिट, हमारे अंदर जो आत्मा है, उसके साथ ही साथ हमारा दिमाग, माइंड, ये दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स इज व्यूड एज एसेंशियली नॉन मेटेरियल इन इट्स अल्टीमेट नेचर। दुनिया जो है वो एसेंशियली नॉन मेटेरियल होना चाहिए, जो कि अल्टीमेट नेचर है। ठीक है, अब देखेंगे आइडियलिज्म के फॉर्म्स। अलग अलग प्रकार के आइडियलिज्म है, सब ब्रांचेस हैं, जो जिस पे बिलीव करता है वो उस प्रकार का आइडियलिज्म कहलाता है। फर्स्ट टाइप है पर्सनलिस्टिक, सब्जेक्टिव और डॉगमेटिक, तीनों एक ही नाम है इसलिए मैंने श्लास दिया है, फॉरवर्ड श्लास। पर्सनलिस्टिक जो है, सब्जेक्टिव भी वही है, डॉगमेटिक भी वही है। इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर है बर्कले। ठीक है,
इसके फाउंडर हैं बर्कले। बर्कले इसके फाउंडर हैं, मतलब पर्सनलिस्टिक आइडियलिज्म के। इन्होंने कहा इट एक्सेप्ट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड। ये बोल रहा है कि सिर्फ माइंड एग्जिस्ट करता है, बाकी कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। इवन एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटीज आर मेंटल। एट्रीब्यूट और क्वालिटी जो है वो ये सारे कुछ मेंटल है, यानी कि हर चीज़ माइंड के साथ इन्होंने जोड़ दिया। एवरी पर्सन इज हैविंग पर्सनल वेज ऑफ डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट और ऑकरिंग। जैसे कि मान लीजिए आपके दिमाग में जो अच्छा लगता है, से फॉर एग्जाम्पल आपको मान लीजिए नॉनवेज खाने में इंटरेस्ट है, ठीक है। आपका मेंटल सेट ये है कि बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में मज़ा आ जाता है। तो आपका माइंड जो है वो आपके तरीके से वो उसको डिफाइन करता है कि नॉनवेज बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके दिमाग में कुछ चल रहा है कि नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। उनका मेंटल जो है माइंड सेटअप जो है, ठीक है, उनका जो थिंकिंग स्टाइल है, उनका जो परसेप्शन है वो आपसे अलग है। आप जो सोच रहे हो वही चीज़, वही चिकन है, उसी को किसी को अच्छा लग रहा है तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि दुनिया में हर कोई चीज़ हम पर्सनल वे से यानी अपने तरीके से उसको डील करते हैं, अपने तरीके से सोचते हैं। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज पर्सनालिस्टिक और सब्जेक्टिव और डॉगमेटिक, बिकॉज इट इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर। नॉट एवरी वन इज़ हैविंग अ सिंगल काइंड ऑफ थिंकिंग। पर्सनलिस्टिक का मतलब भी वही होता है। देन आता है एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। इसके फादर कौन है? फिच एंड हेगल। फिच एंड हेगल इसके फाउंडर है। उन्होंने बताया ओनली द सेल्फ एग्जिस्ट, यहाँ पे बताया गया ओनली माइंड एग्जिस्ट, यहाँ पे बताया जा रहा है ओनली सेल्फ एग्जिस्ट, सेल्फ यानी सोल एग्जिस्ट। एंटायर वर्ल्ड इज गवर्न बाय सम स्पिरिचुअल और एब्सोल्यूट लॉज, देयरफॉर ओनली द एब्सोल्यूट लॉज आर रियल। देखिए अगर बताया जाए हवा कैसे चल रही है, पानी कैसे हो रहा है, या फिर समंदर कैसे मतलब लहरा रहा है, उसके साथ ही साथ अगर हम पूछें कि जो सूरज है वो कैसे मतलब ईस्ट से आ रहा है और कैसे वो जल रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए ये कुछ सुप्रीम पावर स्पिरिचुअल पावर से ये ऑपरेट करते हैं। तो ये बिलीव करते हैं वही स्पिरिचुअल लॉ जो है, इसका जो नियम है वही रियल है, इसलिए सेल्फ और सोल एग्जिस्ट इन्होंने बताया। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट वन, ऑब्जेक्टिव और प्लेटोनिक आइडियलिज्म। डेफिनेटली इसके फादर कौन होंगे? प्लेटो, ये इसके फाउंडर है। इन्होंने बताया देर इज़ नो गॉड विदाउट वर्ल्ड, देर इज़ नो वर्ल्ड विदाउट गॉड। बहुत ही अच्छा इन्होंने कहा गॉड के ऊपर, कहा देर इज़ नो गॉड विदाउट वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड ही नहीं है तो उसका भगवान कहाँ से आएगा? अगर वर्ल्ड है तो ऐसा कोई वर्ल्ड नहीं है जो कि भगवान के बिना है, भगवान के बिना कोई वर्ल्ड बना ही नहीं है, ये इन्होंने बताया। गॉड एग्जिस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीबॉडीज एक्सेप्टेंस। कोई मान रहा है कि भगवान है, कोई नहीं मान रहा है कि भगवान नहीं है, आप मानो या ना मानो भगवान है, ये इन्होंने बताया। नेक्स्ट है फेनोमेनल आइडियलिज्म, इमैनुअल कांट ने दिया, ठीक है, फेनोमेनल। और इन्होंने कहा कि ही स्टेटेड दैट द नॉलेज दैट वी रिक्वायर अबाउट फिजिकल वर्ल्ड इज नॉट रियल। हमने जो फिजिकल वर्ल्ड को स्टडी किया है ये रियल नहीं है। इट इज़ ओनली द फेनोमेनन ऑफ रियलिटी, ये सिर्फ हमें दिख रहा है कि एक प्रकार का रियलिटी। एब्सोल्यूट रियलिटी जो है वो हमारे कैपेसिटी के बाहर से है, हम उसके बियॉन्ड जाके स्टडी नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट जो रियलिटी है उसको हम अध्ययन नहीं कर सकते। देन है रिलीजियस आइडियलिज्म जो कि ऑगस्टाइन ने दिया। इन्होंने कहा कि देर आर टू सेपरेट वर्ल्ड, दो प्रकार के वर्ल्ड होते हैं, एक होता है ह्यूमन वर्ल्ड और एक होता है गॉड। दो प्रकार की दुनिया है, एक ह्यूमन वर्ल्ड है और एक दुनिया है जिसको हम गॉड बोलते हैं। गॉड इटसेल्फ इज अ वर्ल्ड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे मेटाफिजिक्स। अब देखिए मैंने बताया था आइडियलिज्म का, जो हम मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी देखेंगे। मेटाफिजिक्स यानी रियलिटी क्या है, अगर पूछा जाए आइडियलिज्म जो फॉलो करते हैं आइडियलिस्ट को पूछेंगे तो फिर वो क्या कहेंगे, व्हाट इज मेटाफिजिक्स, ठीक है। यहाँ पे बताया गया द पर्सन विथ एन आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू और वर्ल्ड व्यू बिलीव्स दैट रियलिटी इज बेसिकली स्पिरिट। रियलिटी क्या है? एक स्पिरिट है, ना कि एक मैटर है, ठीक है। आइडियलिस्टिक वाले ये बोल रहे हैं कि रियलिटी क्या है, रियलिटी एक स्पिरिट है, यानी जो कि कभी दिखाई नहीं देता है, ठीक है, और मैटर तो बिल्कुल नहीं है हमारे चारों तरफ जो हम देख रहे हैं। तो इसलिए इनके हिसाब से दो प्रकार के वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एज वेल एज फिजिकल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड मोटल है, कभी भी खत्म हो सकता है, अनरियल है, लेकिन स्पिरिचुअल फिजिकल वर्ल्ड तो कभी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो रियल भी है, उसके साथ ही साथ एब्सोल्यूट भी है, ये कभी खत्म नहीं होता है। द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट और आइडिया और इमेटेरियल वर्ल्ड इज स्टैटिक एंड एब्सोल्यूट। मतलब कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहीं पर नहीं जा रहा है, स्टैटिक है, लेकिन ये एब्सोल्यूट कभी देख नहीं सकते। गॉड इज क्रिएटर एंड ऑल अदर आर क्रिएटेड, यहाँ पे बढ़िया बात कहा गया है। गॉड है सबका निर्माता, सभी को उन्होंने बनाया, और अदर्स आर द क्रिएटेड, यानी बाकी सारी चीज़ें तो देख रहे हैं इन्होंने, भगवान ने ही बनाया।
गोल ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज इज द रियलाइजेशन ऑफ इन्फाइनाइट माइंड, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी का हर एक गोल क्या होता है, इन्फाइनाइट माइंड, मतलब माइंड के परे और भी ऊपर हमें जाना चाहिए, ये उनका होता है। एपिस्टेमोलॉजी यानी नॉलेज, देखिए जो आइडियलिज्म आइडियाज पे बिलीव करता हो, थॉट पे बिलीव करता हो, स्पिरिट पे बिलीव करता हो, उसका क्या परसेप्शन रहेगा रिगार्डिंग एपिस्टेमोलॉजी यानी नॉलेज। सिंस रियलिटी स्पिरिट आइडियलिस्ट बिलीव दैट नॉलेज रिजल्ट्स फ्रॉम माइंड ग्रेस्पिंग रियलिटी। देखिए थोड़ा सा पीछे जाइए, आइडियलिज्म कह रहा है कि हर कोई चीज़ जो है ना वो एब्सोल्यूट रहेगा, वो कभी दिखाई नहीं देगा, बस फील कीजिए तो आपको पता चलेगा। अगर कोई चीज़ हमारे पास है ही नहीं कॉन्क्रीट, हर कोई चीज़ जो है ना वो हम स्पिरिचुअली सोच रहे हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर पूछा जाए नॉलेज कहाँ से आएगा, नॉलेज भी वहीं से आएगा जहाँ पे, मतलब जहाँ तक आपका माइंड जो है वो नॉलेज गेन कर सकता है, ग्रास कर सकता है, जितना ले सकता है आपका ब्रेन उतना आपका नॉलेज है, ठीक है। नॉलेज इज ऑब्टेंड थ्रू द मीडियम ऑफ कॉन्सेप्ट आइडिया माइंड। नॉलेज कहाँ से आता है, कॉन्सेप्ट से आता है, आइडिया से आता है, माइंड से आता है। माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड रिजर्वियर, एक रिजर्वॉयर है जहाँ पे सारे नॉलेज आके स्टोर होते हैं। रियल नॉलेज कैन नॉट बी ऑब्टेंड थ्रू द मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन एटसेट्रा, इट कैन बी ऑब्टेंड विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनर सेल्फ। इन्होंने कहा रियल नॉलेज जो है वो कभी भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से नहीं आ सकता है, और इसको पाने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, यानी समझना चाहिए, किसको, इनर सेल्फ, अपने आप को समझो। राइट रीज़न, यानी कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए राइट रीज़न चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज गेन करने के लिए, आपके पास एक सही वजह होना चाहिए सीखने के लिए, ठीक है। अब इन्होंने बताया तीन प्रकार का नॉलेज होता है आइडियलिज्म के अनुसार, ऑर्गन नॉलेज, ओपिनियन नॉलेज एंड मेडिटेशन नॉलेज। ऑर्गन नॉलेज यानी जो हम सेंस ऑर्गन से लाते हैं, सेंस ऑर्गन यानी फाइव सेंस ऑर्गन से जो नॉलेज हम पाते हैं, देन ओपिनियन, हमारा ओपिनियन क्या है उससे नॉलेज आता है, और एक होता है मेडिटेशन नॉलेज, हम मेडिटेट करते हैं नॉलेज गेन करते हैं, या फिर हम ध्यान करते हैं, या फिर हम एक प्रकार का मेडिटेट करते हैं, और ये सबसे ट्रू टाइप ऑफ नॉलेज होता है। नेक्स्ट है एक्सियोलॉजी यानी वैल्यूज। आइडियलिज्म क्या होता है, देखिए आइडियलिज्म हमेशा बोल रहा है कि हर कोई चीज़ जो है ना वो स्टैटिक है, ओल्ड इज गोल्ड, याद रखिएगा, स्टैटिक है, परमानेंट है, ठीक है, और स्पिरिचुअल है, ऐसे लग रहा है। तो अगर देखा जाए वैल्यू, अगर ये बोल रहे हैं कि पुराने चीज़ें जो है वो रहेंगे, स्टैटिक है, तो फिर क्या लगता है आपको, वो वैल्यूज़ को कभी चेंज करेंगे या ये वही पुराने वैल्यूज़ रहेंगे? तो डेफिनेटली ये पुराने वैल्यूज़ को हटा देंगे, सही बोल रहा हूँ, याद कीजिए। देखिए मैं यहाँ पे जानबूझ के, थोड़ा सा मेरा जो है क्लासरूम आदत है, यहाँ पे मैंने वो लागू कर दिया, मैं गलत बोल के आपको मतलब यहाँ पे पूछूंगा और आपको यहाँ पे रेक्टिफाई करना है, चलिए वो छोड़िए बात। अब देखेंगे स्टैटिक वर्ल्ड क्या होता है, जो ओल्ड वैल्यूज पे बिलीव करता है, मतलब पुराने वैल्यूज, हमारे दादाजी जो हमें सिखाए वो पापा ने सीखा, पापा ने जो मुझे सिखाया मैं वही सीखा, मैं अपने मतलब बेटे को पोते को वही सिखाऊंगा, ये क्या होता है स्टैटिक, कभी चेंज नहीं होगा, स्टैटिक चीज़ें भेज रहा हूँ फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन एक्सियोलॉजी जो है ना वो बोल रहा है कि वैल्यू कैसे आप पता करोगे, कौन सा वैल्यू सही है? तो फिर आइडियलिज्म कह रहा है कि आइडियलिज्म हैज़ फुल फेथ इन इटर्नल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, यानी कि परमानेंट वैल्यूज और जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक वैल्यूज ही सही है, ये एब्सोल्यूट होता है, अल्टीमेट होता है, फंडामेंटल होता है और परमानेंट होता है। और तीन कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा, तीन सबसे बड़े वैल्यूज आइडियलिज्म में वो है ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी आर द आउटस्टैंडिंग इटर्नल वैल्यूज। ये ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही तीनों वैल्यूज हैं, सबसे बड़े वैल्यूज हैं। फॉर द आइडियलिस्ट गुडनेस इज फाउंड इन आइडियल एंड इट इज इन परफेक्शन, यानी गुडनेस आपको आइडियल में मिलता है और आइडियल जो है वो परफेक्शन में मिलता है। इट इज़ फाउंड ऑन द इमेटेरियल लेवल दैट इन द परफेक्ट कंसेप्ट एंड नोशन और आइडिया ऑफ समथिंग, यानी कि इमेटेरियल लेवल पे हमें मिल सकता है या फिर परफेक्ट कॉन्सेप्ट में मिल सकता है, कोई आइडिया से मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दस परफेक्ट गुडनेस इज नेवर टू बी फाउंड इन द मैटेरियल वर्ल्ड, परफेक्ट गुडनेस जो है ना वो मैटेरियल वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, क्योंकि सब भाग रहे हैं पैसे के पीछे। नेक्स्ट है एविल फॉर द आइडियलिस्ट कंसिस्ट द एब्सेंस और डिस्टॉर्शन ऑफ द आइडियल। आइडियल यानी आपके अंदर जो अच्छे गुण हैं, अगर वो खत्म हो जाता है तो आपके अंदर राक्षस आ जाता है, यानी एविल आ जाता है। अब देखते हैं गोल्स ऑफ एन आइडियलिस्ट क्लासरूम। एक आइडियलिस्ट क्लासरूम में क्या लक्ष्य होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, आप अपने आइडियाज शेयर करो, क्योंकि
आइडियाज़ आर इम्पोर्टेंट, इसलिए आइडियाज शेयर करो. इट इज़ नॉट राइट दैट द स्टूडेंट टू थिंक दैट द टीचर्स वर्ड्स और वॉट इज इन द बुक आर द ओनली थिंग दैट आर इम्पॉर्टेंट. ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि टीचर ने जो पढ़ा दिया, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, या फिर किताब में जो लिखा गया है वो फाइनल है. नहीं, आपको अपने आइडिया से, अपने थिंकिंग, अपने थॉट से ही उसको पता लगाना है कि ये सही है कि गलत. देन स्टूडेंट्स आइडियाज़ आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि टीचर जो सोच रहा है वही सही है, स्टूडेंट का भी अपना आइडिया होता है, इसलिए स्टूडेंट आइडियाज़ आर इम्पॉर्टेंट. टीचर मस्ट रिफाइन द स्टूडेंट्स आइडिया. टीचर को अपने स्टूडेंट का जो आइडिया है उसको रिफाइन करना चाहिए, उसको फिल्टर आउट करना चाहिए कौन सा सही कौन सा गलत. नेक्स्ट है इन्वॉल्व स्टूडेंट थ्रू देयर ओन आइडिया. इन्वॉल्व स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट को कभी फोर्स मत कीजिए कि वो आप मैं जो बोल रहा हूँ वही करो ना, छोड़ दीजिए उसे, वो अपने आइडिया से ही करने दीजिए उसको. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. एम्स ऑफ एजुकेशन. एक आइडियलिस्ट क्लासरूम में अगर देखा जाए तो शिक्षा का लक्ष्य क्या रहेगा? सिंपल और सीधा पॉइंट है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द पर्सनैलिटी. क्योंकि देखिए, जहाँ पे बात आ रही है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की, थिंकिंग की, तो डेफिनेटली उसका जो पर्सनैलिटी है वो ऐसा अच्छा भी होना चाहिए, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए चाहिए. नेक्स्ट है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. ये एक मोटो है एडलिज्म का, सिंपल रहो और थिंकिंग अच्छा रखो. डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कथाएँ उसके अंदर डेवलप होंगे, उसके साथ ही साथ फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, मोरल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग भी होगा. देन होगा आपका प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन, एडवांसमेंट ऑफ कल्चर. कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे सोचा जाएगा शिक्षा में. यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ये भी सोचा जाएगा कैसे हर जो हमारे अंदर जो अंतर है वो कैसे एक हो जाएंगे एक दिन. ठीक है, नेक्स्ट है इंडिविजुअल ग्रोथ थ्रू प्रोसेस एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. यानी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का ग्रोथ होगा, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस और एक्सपीरियंस के माध्यम से. ठीक है, अब चलेंगे करिकुलम, क्या पढ़ाएंगे क्लासरूम में. आइडियलिस्ट कंसिडर थॉट, फीलिंग, आइडियल्स एंड वैल्यूज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स. यानी कि कोई भी चीज़ों से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब आइडियलिज्म हमेशा बिलीव करता है थॉट, फीलिंग, आइडियल और वैल्यूज सही है, तो इसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है. ठीक है, सो दे कंसिडर दैट द करिकुलम शुड बी सो कंस्ट्रक्टेड एंड डेवलप्ड एज टू एनेबल द चाइल्ड नोइंग, विलिंग एंड डूइंग. ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए जहाँ पे बच्चा सीख सकता है, नो कर सकता है, विलिंग इच्छा कर सकता है और करेगा भी, डूइंग. ठीक है, और यहाँ पे इसलिए क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, लैंग्वेज रहेगा, लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, आर्ट, म्यूजिक, पोइट्री, कल्चर, एथिक, फिजिकल एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड होंगे. ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि किस तरीके से हम पढ़ाएंगे. आइडियलिज्म क्या बोल रहा है, कैसे पढ़ाएंगे, ये बोल रहा है डिबेट एंड डिस्कशन होगा, नरेशन मेथड होगा, एक्सपोजिशन मेथड होगा. एक्सपोजिशन मतलब ढूंढ के निकालना है. ठीक है, देन लेक्चर मेथड होगा, प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन मेथड होगा, सोक्रेटिक मेथड होगा जिसको हम क्वेश्चन आंसर मेथड बोलते हैं. ठीक है, सोक्रेटिक मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन करोगे, आंसर मिलेगा, आंसर वो लोग करेंगे, आप क्वेश्चन पूछोगे. ठीक है, ऐसे होगा, और इसको हम सोक्रेटिक मेथड बोलते हैं, और डायलॉग मेथड बाय प्लेटो. ठीक है, तो ये मेथड ऑफ टीचिंग है. उसके बाद हम देखेंगे रोल ऑफ स्कूल. स्कूल का क्या रोल है, स्कूल एक प्रकार का मिनिएचर सोसाइटी, एक छोटा सा समाज है जहाँ पे अलग अलग तरीके के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं. यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड. ठीक है, देन गिव्स द चाइल्ड बैलेंस, जेन्युइन एक्सपीरियंस इन प्रिपरेशन फॉर डेमोक्रेटिक लिविंग. यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पे स्कूल का ये रोल है कि बच्चा कैसे बैलेंस पर्सनैलिटी डेवलप कर सकता है और जेन्युइन एक्सपीरियंस लेके जाए हमारे स्कूल से. प्लेस्ड वेयर द आइडियाज आर टेस्टेड, इम्प्लीमेंटेड एंड रीस्ट्रक्चर्ड. यानी कि हमें ये देखना चाहिए, स्कूल एक प्लेस है जहाँ पे आपके आइडियाज़ जो है उसको टेस्ट किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है और रीस्ट्रक्चर किया जाता है. देन आता है रोल ऑफ टीचर. शिक्षक यहाँ पे क्या करेगा, वो एक ही हाईली ग्लोरियस पर्सनालिटी होता है क्योंकि वहाँ पे उसको भगवान मानते हैं आइडियलिज्म में. और याद रखिएगा आइडियलिज्म टीचर सेंट्रिक है, टीचर जो कहेगा वही होगा. इसलिए एक्सेप्ट द आइडियाज़ ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट जो बोलते हैं वो सिर्फ एक्सेप्ट करेगा, फैसिलिटेट करेगा कि आप और भी आइडिया लेके आइए स्टूडेंट को. ठीक है, तो ये कर सकता है, एनकरेजेस द स्टूडेंट टू शेयर देयर ओन आइडिया. स्टूडेंट को एनकरेज किया जाता है ताकि वो अपना जो है आइडिया वो शेयर कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ लर्नर. लर्नर क्या करेगा यहाँ पे, शिक्षार्थी विद्यार्थी जो है ना वो क्या करेगा, दिस फिलोसफी कंसिडर्स आइडिया एज प्राइमरी कंसर्न, द लर्नर एज सेकेंडरी कंसर्न. यहाँ पे लर्नर को प्राइमरी कंसर्न नहीं दिया गया है. ठीक है, देन दे बिलीव दैट द स्टूडेंट इज अ मियर सोल, हैज़ टू लॉन्ग फॉर आइडियाज एंड थाट्स. मतलब एक बच्चा है, वो एक छोटा सा बच्चा है, इसलिए उसको हमेशा आइडियाज, थाट्स, ये सब पाने का जो है इच्छा होना चाहिए. ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, अपना जो है वो अलग अलग प्रकार से सोचेगा, वो सबके साथ शेयर करेगा, तो
बच्चे का जो है ना यहाँ पे फ्रीडम उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उनके बारे में बात किया जा रहा है कि हिज आर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट शुड बी गिवन अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनका जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा वो भी यहाँ पे कराए। ठीक है, क्लियर। अब चलें MCQs पर। अब फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा किस किस का सही हो रहा है, कौन सा सही आंसर बताइएगा पॉज करके। ठीक है, तो चलिए MCQ पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एस्केटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रियल एग्जिस्टेंस, क्रिएशन ऑफ लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ ऑफ गॉड एंड हिज क्रिएशन। चलिए इसका आंसर देखते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, लाइफ आफ्टर डेथ, क्योंकि एस्केटोलॉजी अध्ययन करता है कि मरने के बाद का लाइफ क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रियल नॉलेज अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, आइडियलिज्म के हिसाब से रियल नॉलेज कौन सा है, नॉलेज फ्रॉम एक्सपेरिमेंटेशन, नॉलेज फ्रॉम प्रैक्टिसेस ऑफ आइडियाज, नॉलेज फ्रॉम सेंसेस, नॉलेज फ्रॉम आर्ग्यूमेंट, कौन सा सही है बताइए फटाफट से, पॉज करके आंसर कीजिए। ठीक है, तो अगेन आइडिया से ही होता है, आइडिया से ही होता है, क्योंकि नॉलेज फ्रॉम प्रैक्टिस ऑफ आइडियाज, बाकी सब से नहीं होता है रियल नॉलेज। ठीक है, रियल नॉलेज की अगर बात करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज डिफाइंड एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू ए कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, ये किसने कहा था, जॉन डुवे, अरिस्टोटल, फ्रॉबेल, प्लेटो। ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर क्लास में कोई दिक्कत है तो भी हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको चाहिए ऐसे ही क्लासेस चलता रहे दिसंबर तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, तो सब्सक्राइब शेयर कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप जितना शेयर करोगे हमें लगेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं और इन लोगों का इंटरेस्ट भी पढ़ाने में, तो हमें भी उतना जील आएगा, उतना जो है ना वो मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए, किसने कहा था ये, जॉन डुवे, एरिस्टोटल, फ्रॉबल एंड प्लेटो, किसने कहा था ये, डेफिनेटली जॉन डुवे, क्योंकि जॉन डुवे क्या होते हैं, ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रैग्मेटिज्म, तो प्रैग्मेटिज्म में एक्सपीरियंस की बात होगी वो पढ़ेंगे। नॉलेज विच आर गेन्ड फ्रॉम बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स आर कॉल्ड एज, जो हम बुक्स और रिसर्च पेपर से पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंट्यूटिव नॉलेज, रिवील्ड नॉलेज, एम्पिरिकल नॉलेज, ऑथोरिटेरियन नॉलेज। डेफिनेटली आंसर इज ऑथोरिटेरियन नॉलेज। आगे बढ़ते हैं, हु हैज डिफाइंड फिलोसफी इज अ लॉजिकल इंक्वायरी इन टू द नेचर ऑफ रियलिटी, किसने कहा था कि फिलोसफी जो एक प्रकार का लॉजिक इंक्वायरी है रियलिटी को समझने के लिए, जॉन डुवे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री अरविंदो, स्वामी विवेकानंद, बताइए आंसर क्या होगा, पॉज करके आंसर कीजिए। आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, आइडियलिज्म के हिसाब से शिक्षा का क्या लक्ष्य है, परफेक्शन, परफेक्ट अडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट, रियलाइजेशन ऑफ मोरल वैल्यूज, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स, कल्टिवेशन ऑफ डायनामिक अडेप्टेबल माइंड विच विल बी रिसोर्सफुल एंड एंटरप्राइजिंग इन ऑल सिचुएशंस, बताइए क्या लक्ष्य रहेगा। चलिए, मोरल वैल्यू, मोरल वैल्यू को रियलाइज करना ही इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। नेक्स्ट है, आइडियलिज्म विल कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग एज ट्रू, आइडियलिज्म इनमें से कौन सा सही मानता है, एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, एम्फोसिस ऑन मास प्रोडक्शन, एजुकेशन फॉर इटर्नल वैल्यूज, साइंटिफिक मेथड, पॉज करके आंसर बताइए और स्कोर जरूर बताना एट द एंड, कितना ठीक हुआ और क्या बेहतर हो सकता है। अगर कोई फीडबैक हमारे लिए है वो टेलीग्राम में ज्वाइन करके हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चाहे तो आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, एजुकेशन फॉर इटर्नल वैल्यूज़, ठीक है, यानी आइडियलिज्म इनमें से सिर्फ इटर्नल वैल्यूज़ के लिए काम करता है। देन फिलोसफी इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है, यानी कि फिलोसफी एक नॉलेज एक्विजिशन है, ये किसने कहा था, अरिस्टोटल, प्लेटो, रूसो, इमैनुअल कैंट, बताइए पॉज करके, आंसर है प्लेटो, प्लेटो ने कहा था इट इज़ द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, ये क्वेश्चन आप आंसर करिए पढ़ के, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट एप्लीकेबल टू द आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ एजुकेशन, कौन सा इनमें से आइडियलिज्म के टाइप ऑफ एजुकेशन से वाकिफ नहीं है, या फिर इसमें से कौन सा नहीं होगा, पर्पस ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन, एजुकेशन इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, प्लाटोज प्रिंसिपल आर द बेसिस ऑफ द सिस्टम, टीचिंग स्टाइल इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच, बताइए ऑप्शन देख के पॉज करके, इसका आंसर होगा डी, क्योंकि देखिए अच्छी तरीके से ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है इनमें से कौन सा आइडियलिज्म के तरीका, जो आइडियलिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो फिर याद रखिए मैंने कहा था आइडियलिज्म इज टीचर सेंट्रिक, आइडियलिज्म इज टीचर सेंट्रिक, अगर ये टीचर सेंट्रिक है तो टीचर यहाँ पे सुप्रीम रहेंगे, बाकी स्टूडेंट नहीं रहेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टीचर चाइल्ड सेंट्रिक, इसलिए ये टीचर सेंट्रिक हो जाएगा। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे,
purpose of creation of the universe and its relation to man and God is discussed in which branch of philosophy? यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में मैन और गॉड गॉड के बीच में जो रिलेशन है उसको किस ब्रांच ऑफ फिलोसफी में अध्ययन किया जाता है? मेटाफिजिक्स, एथिक्स, एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी। सिंपल सा सवाल है, सोच समझ के आंसर कीजिएगा पहुँच के। डेफिनेटली ये आंसर होगा मेटाफिजिक्स, क्योंकि ये स्टडी करता है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ मैन, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इसके ऊपर ये स्टडी करता है। तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ज्वाइन करके हमारे साथ यहाँ पे आप बात कर सकते हो कि क्या डाउट है, क्या हम क्लास या फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या और नया कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जाते जाते ये वाला, लेट सक्सेस बी डिफाइंड बाई यू। सक्सेस आपसे डिफाइंड हो तो वो रियल सक्सेस होता है। जब दूसरे लोग बोलेंगे, साथी बोलेंगे, सीनियर बोलेंगे, टीचर बोलेंगे कि देखो अगर सक्सेस देखना है ना तो इस पर्सन को देखो जिन्होंने सक्सेस को भी झुका दिया। क्योंकि जो सक्सेस है ना वो कभी स्टेटस देख के, लेवल देख के, एज देख के कभी किसी बैरियर से नहीं आता है। सक्सेस आता है तो स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क से आता है। ठीक है, तो ऐसे करो जैसे सक्सेस का डेफिनेशन, मतलब जब उनको कोई भी कोई एग्जाम्पल कहीं पे दे रहा है तो आपका एग्जाम्पल दें। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द सेशन। ठीक है, थैंक यू अगेन।